शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षक नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली राज्य कर्मी के दर्जे पर और क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही इन्होंने विद्यालय के लिए जारी नई अवकाश तालिका पर क्या कुछ कहा है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे के वीडियो क्लिप में देखते हैं कि भरोसा रखिए, सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना ही है। आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्णयानुसार धैर्य नहीं रखते हैं और जल्दीबाजी में कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठेगा उत्तीर्ण होगा वही राजकर्मी होगा। इतने शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी पदस्थापना उनके मन के विपरीत हो गई। पदस्थापना दूर के विद्यालय में अभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अधितावकाश 33 दिनों का मिलता है। यदि उसका वे उपभोग नहीं करते हैं सेवानिवृत्ति तक, तो उनकी छुट्टियों के बदले नगदी भुगतान होता है। अर्जितावकाश का नगदीकरण का नियम है। आपने छुट्टी में कटौती कर दी और 14 दिन या 11 दिन अर्जितावकाश कहते हैं, यह नियम विरुद्ध है। काम के घंटे निर्धारित हुए थे शिकागो में, आते रहे हैं, किसी की छुट्टी घटा रहे हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप राजकर्मी की अधिसूचना जारी करने में देर कर रहे हैं, चाहते हुए भी देर कर रहे हैं, सदिच्छा भी है तो भी देर हो रही है, विभिन्न कारणों से, विभिन्न राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद। और इधर शिक्षा विभाग में बैठे हुए नौकर सा अंधेर कर रहे। हम लड़ाई के विभिन्न मोर्चा को खोलना नहीं चाह रहे हैं। चूंकि आप जा रहे हैं अब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो आप कहिएगा राजनीतिक लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जी नहीं, हम शिक्षार्थी शिक्षक और राज्य के व्यापक कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा दीजिए, सारी सरकारी छुट्टियां दीजिए, सारी सरकारी सुविधाएं दीजिए और अभी जो अधिसूचना आपने निकाली उसको संशोधित कर दीजिए, पूर्व की भांति ही छुट्टियां दीजिए और जल्दी राजकर्मी घोषित कीजिए। हे शिक्षक बंधु, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, व्याकुल भारत मत बनिए।